आश्रय स्थल बनाया गया है, इसमें किस तरीके से ग्रामीणों को जोड़ा जाएगा और यहाँ पर कितनी गायें और किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे की गई है? देखिए, ये स्थायी गोवंश आश्रय स्थल जो विकसित किए जा रहे हैं वो सरकार की तरफ किए जा रहे हैं, और लेकिन ये स्थायी गोवंश आश्रय स्थल नहीं है। ये हमने जनसहयोग के माध्यम से गोवंश आश्रय स्थल को विकसित किया है। अभी हमको इसको 1000 गोवंश के लिए हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, और इसमें जितने भी गोवंश हैं उनके लिए चारे की पूरी व्यवस्था की गई है, उनके लिए रोटी बैंक की व्यवस्था की गई। यहाँ पर जितने भी इसके आसपास के जो ग्राम पंचायतें हैं वहाँ से रोटी कलेक्ट करके यहाँ पर प्रतिदिन अभी आ रही हैं। अभी उस मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अभी काम नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी काफ़ी बड़ी संख्या में रोटियाँ आने लगेंगी यहाँ पर। इसके अलावा हमने जनसहयोग को पब्लिक को जोड़ने के लिए प्रत्येक गेहूँ उत्पादक किसान से 1 कुंटल भूसा दान के रूप में लेने का की मुहिम चलाई है। पिछली बार हमने करीब 10,000 कुंटल भूसा इससे इकट्ठा किया था। इस बार हमें आशा है कि हम 25-30 हज़ार कुंटल भूसा इकट्ठा करेंगे। और यहाँ पर एक बृहद भूसा घर बनाया गया, बड़ा सा भूसा घर बनाया गया, जिसमें करीब 6,000 कुंटल भूसा हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी यह है कि रबी के समय भी हम इतना अच्छा भूसा कलेक्ट कर लें जिससे कि बाद हमको महंगा भूसा ना खरीदना पड़े। और चूँकि सरकार प्रति गोवंश 30 रुपया देती है, जो कि बहुत पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए जन सहयोग बहुत आवश्यक है। गोवंश को अच्छे ढंग से रखना चाहते हैं तो, और पब्लिक को भी इस चीज़ का एहसास रहना चाहिए कि उनके द्वारा छोड़ी गई गायें हैं, तो उनकी सहभागिता बनी रहेगी तो सभी गोवंश आश्रय स्थल पे हमारा गोवंश का संरक्षण बहुत अच्छे ढंग से हो सके। थैंक यू। पानी लगा अच्छी एक समय था जब पैदा होता लोग खुद होते थे, मछलियाँ होते थे, Yeah.